आज इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे YouTube की। जी हाँ दोस्तों, YouTube की बेटा स्टूडियो वर्जन की हम बात करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा YouTube बेटा स्टूडियो से क्लासिक YouTube में आप कैसे स्विच करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल स्टेप है। मैं शशि कुमार और आप देख रहे हैं दोस्तों द क्रेजी जीनियस। तो सबसे पहले आप लोगों को अपने YouTube अकाउंट जैसे ही आप लोग खोलते हैं, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये वाला आपको ऑप्शन शो होता है। जी हाँ दोस्तों, खोलते ही आप लोगों को नया YouTube बेटा का वर्जन आपके सामने दिखता है। तो बहुत यूजर को इसमें फेस हो रहा है, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, इसमें अभी भी अपडेट्स चल रहे हैं। YouTube बेटा अभी पूरी तरीके से लाइव नहीं किया गया है। इसमें अभी कुछ फीचर्स ऐड नहीं हुए हैं। बहुत सारे इसमें फीचर्स हैं जो अभी ऐड नहीं हुए, धीरे धीरे यूट्यूब इसको ऐड कर रहा है। तो जो नए यूजर हैं और कुछ पुराने यूजर के साथ भी ये प्रॉब्लम आ रही है कि ऑटोमेटिक आपका सेलेक्ट हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, डिफॉल्ट हो चुका है यूट्यूब स्टूडियो। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ दोस्तों, आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको सेटिंग यहाँ जो आ रही है उस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे आपके सामने दो अलग दिख जाएगा, जहाँ पे सेटिंग आ रही है डिफॉल्ट क्रिएटर एक्सपीरियंस। आप अगर यहाँ पर क्रिएटर स्टूडियो क्लासिक पे क्लिक करके सेव कर देंगे तो ये आपका नॉर्मली ही ओल्ड वाले वर्जन में खुलेगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आप देख रहे हैं कि या अभी सेट है नए वाले वर्जन पे। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ओल्ड वाले पे और सेव कर देता हूँ। सेव करते ही आपसे कुछ एक्सपीरियंस पूछेगा कि आपको कैसा लगा, क्या रहा। तो मैं कुछ नहीं डालता है, आप सबमिट कर देता हूँ। आप सोच रहे हो की ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट क्यों नहीं हो। जो दोस्तों ये अभी आपका यहाँ देख लीजिए सेट एज डिफॉल्ट स्टूडियो हो चुका है। बस आपको यहाँ पे जाना है और अपने चैनल पर क्लिक करना है। माई चैनल पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये आपका रीडायरेक्ट हो जाएगा पुराने वाले क्रिएटर स्टूडियो में। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे कस्टमाइज चैनल पे आप क्लिक करेंगे, ये देखिए आपका पुराना वर्जन खुल चुका है जो आपका क्लासिक वाला है। यहाँ एक वीडियो भी डली हुई है, आप देख सकते हैं। यहाँ मैं वीडियो मैनेजर में भी आपको दिखाता हूँ, ये देखिए आपका पुराना वर्जन फिर से आपको दिख गया। अगर आप फिर से अगर नए वाले वर्जन को ट्राई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करके YouTube स्टूडियो बेटा पे क्लिक करते ही नए वर्जन पे आप स्विच हो जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर हैं नए तो ये राइट साइड में जो लाल वाला बटन आ रहा है इसको दबाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए टेक्निकल लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले अपडेट्स के साथ।